आज हमारे को बहुत गर्व से बोलना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल ने आज 50 साल पूरे किए हैं। हमारे स्कूल की आज गोल्डन जुबली है। 50 साल पूरे होने तक की हमको बहुत खुशी है। ये 50वां हमारा एनुअल डे है और ये हम बहुत शानदार मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, आगे से इससे भी अच्छा मनाएंगे। और हमारे गेस्ट कौन से आने वाले हैं, ईशा फिल्म लाइन से हैं और दूसरे गेस्ट भी हैं जिसमें से बॉलीवुड के भी काफ़ी, अरिष्टा भट्ट जी आ रहे हैं, अश्वती जी आ रहे हैं, श्वेता आ रही है, जसविंदर नरूला आ रहे हैं और अरिंदर जी भी आ रहे हैं, अवस्थी जी भी आ रहे हैं। तो काफ़ी हमारे को गर्व है कि हमारी शान बहुत ऊँची होगी कि हमारे स्कूल का नाम श्री कलगीधर मिशन स्कूल है। हमारे गुरुओं के नाम पे हमारी कलगी ऊँची रहेगी हमेशा। हमारे बच्चे, हमारे पास स्टूडेंट सब मीडियम क्लास या बीपीएल स्टूडेंट्स हैं। हमने ये स्कूल 4 बच्चों से शुरू किया था 1966 में। 400 से 400 या 400 से 2300 हैं ये हमारे पास। हम जितना ये एनुअल डे करते हैं या स्पोर्ट्स डे करते हैं, हम इसके अंदर बच्चों से एक पैसा चार्ज नहीं करते। हम ये सब पूरा हमारा इंस्टीट्यूट खर्चा करता है। ये बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, ये टैलेंट ये हमारे को आज परफॉर्म करके दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है और आज आगे जाके क्या कामयाबी में वो खड़े होंगे, कहाँ अपना जाके नाम रोशन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम 50 साल मना रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने इस स्कूल को 4 बच्चों से चालू किया, जो आज जाके हमारी स्ट्रेंथ 2300 बच्चों की हुई है। और ये सब हमारे बुजुर्ग का और बड़ों का हमारा आशीर्वाद है जो आज हम ये इंस्टीट्यूट के बड़े स्केल पे हम चला रहे हैं और इतनी फैसिलिटीज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो भी मिनिमम चार्ज में शायद ही ये मुंबई का कोई स्कूल होएगा इतनी फैसिलिटीज कोई अपने स्टूडेंट को फ्री प्रोवाइड करता होगा। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं इस कमेटी के साथ में खड़ा होकर आपके सामने अपना 50 साल इस मना रहे हैं। हमारे टीचर, हमारे जो प्रिंसिपल और सब कमेटी मेंबर्स हैं, इनके साथ में इनका साथ सहयोग है और इसकी वजह से हम स्कूल चल रहा है। सब उनका स्कूल चल रहा है, सब उनकी मेहरबानी से चल रहा है और परमात्मा करेगा ये दिन दिन बढ़ते जाएगा। ये हमारा स्कूल है, 4 बच्चों से चालू हुआ था, आज देखो 2300 बच्चे हो गए हैं स्कूल में और ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं। अभी हमारे सब कमेटी मेंबर, स्कूल का स्टाफ, स्कूल की टीचर, प्रिंसिपल सबसे मतलब बहुत सहयोग से ये स्कूल बहुत अच्छा जा रहा है। अभी सब ऊपर वाले की मेहरबानी से और अच्छा जाएगा। सब हमारे आप लोग की भी मेहरबानी हमारे को चाहिए। थैंक यू। यस, हम लोग बहुत खुश हैं कि 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। हमारे बच्चे बहुत लो क्लास से भी हैं और हम चाहते हैं कि वो पढ़ें और वो हमारा नाम इतना रोशन कर रहे हैं जिससे जिसकी हमारे वो बहुत खुशी है। और 50 ईयर्स वाव, सो नाइस, जो हमारे बाप दादाओं ने जो फाउंडेशन खड़ी की थी, हम उसके साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको आगे लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। आ जाके फोटो तो खिंचा ला ना। हम जरूर, हम भी उनको बहुत फैसिलिटीज देते हैं और आगे भी देते रहेंगे।
और हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, जो नहीं भी है हम उसे जरूर सपोर्ट करेंगे कि वो आए आगे और हम उसे पढ़ाएं। सो नाइस, थैंक यू। I think to stay with Kaligarh School as a founder member, it was a great experience. Everybody worked very hard, right from the family of Mr. Sweety Kokilnod, and for three generations they are working for the school. And जब भी कभी सफर करते हैं, अगर हंसते खोलते पहुँच जाए तो पता भी नहीं लगता कब निकल गया। ये 50 साल जो हैं, ऐसा महसूस हुआ कि एक वो सफ़र है जहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट बाय द स्कूल, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, तो सब में इन्होंने स्कूल ने ग्रेट अचीवमेंट किया है और हर साल कोई ना कोई अवार्ड लेके आया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एकेडमिक इज द मेन थिंग, एंड स्कूल के पास हुए और लड़के आज IIT, मेडिकल एंड अन्य फॉर्म में मौजूद हैं। दिस ए रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कूल टू बी अप्रिशिएटेड। जितने ट्रस्टी थे तकरीबन, चाहे हैं वो इस वक्त या नहीं है, तो उन्होंने सब बहुत मेहनत की है, एंड आई एम वन ऑफ देम हु हैड ए ग्रेट प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद दिस school, and it was a great experience. I wish the school to go to a greater height. After having achieved 50 years, is a great achievement by itself. Thank you. You have to come close. We can't hear. जैसे हमारा education system काफी changes हो रहा है, सब technology के ऊपर base हो रहे हैं, तो आप education और technology को कितना प्रायोरिटी मानते हैं? The future of any country is based upon the education. If people are educated, their mindset will be educated and they will be able to contribute better. Any country who has the technology in hand, they can only go up. Chahe wo education mein ho, medical mein ho, research mein ho, software mein ho, hardware mein ho, तो उसी से आगे बढ़ेगा। वट ई नीड इज द एजुकेशन, एंड दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू अवर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पहले बोला है, दिस हैज बीन इन द फोरफ्रंट टू जनरेट सच हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटी इन द स्कूल सो दैट द फ्यूचर इज सेफ। होनहार वर्वा इस चिकने चिकने पास। अगर एजुकेशन आपकी है, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, तो यू विल डेफिनेटली रीच दैट हाइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इसको 50 इयर्स हो चुके हैं, एंड जो काम आप लोग कर रहे हैं दैट इज़ रियली कमेंडेबल, बिकॉज ये सब बच्चे हैं जिनसे आप इनको बहुत ब्यूटीफुल अटायर्स में देख रहे हैं, तो इनसे एक रुपये भी नहीं लिए गए हैं इसमें, मतलब प्योर एंड प्योर चैरिटी की गई है, विच इज़ कमेंडेबल, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को दिया है, हमारी यंग जनरेशन को दिया है, एंड आई एम श्योर कि यहाँ से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आएंगे, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड।
मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है, मैं भी जब स्कूल में होती थी हमारा एनुअल डे मनाया जाता था, मैं परफॉर्म करती थी हर साल, तो इट्स सो नॉस्टैल्जिक दैट यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगता है दैट व्हेन आई एम विद चिल्ड्रन यू नो देयर सो मच ऑफ एनर्जी एंड एनकरेजमेंट. तो आई थिंक शहीद भगत सिंह एजुकेशन स्कूल को आई वॉन्ट टू विश दम ऑल द बेस्ट फॉर कम्प्लीटिंग 50 years इन अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन दैट दे हैव एंड कंग्रेचुलेशन टू यू टू सर. मैंने आई थिंक जहाँ तक आई हैव बीन अराउंड मैंने बच्चों को हमेशा बढ़ावा दिया है बिकॉज आई वॉज ऑल्सो किड एंड मोर देन एनी थिंग दे आर अ फ्यूचर. और स्पेशली आज का जो दिन है एनुअल डे है, वो मैंने इतने एनुअल डेज मनाए हैं मेरे लाइफ में जिसमें मैंने स्टेज फ्राइड भी देखा है मेरे खुद के लिए और बहुत टाइम एक्लेड्स भी ले आई हूँ मैं. तो मैं चाहती हूँ कि दे गेट द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट दैट दे शुड, क्योंकि स्कूल एक और एजुकेशन सिस्टम या कॉलेज आपका इतना मायने रखता है आज की तारीख में. जब आप यू आर आउट इन द वर्ल्ड इट हेल्प्स यू टू बी द पर्सन यू वांट टू बी एंड आई ऑलवेज लुक बैक एंड आई से कि मैं जो भी हूँ मैं मेरी स्कूल की वजह से हूँ. एंड वेल आई स्टडीड इन जमुनाबाई नासी स्कूल बट हम लोग भी यहीं मनाते थे हमारा एनुअल डे एंड आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल टू बी हियर. Yes, that film will be releasing soon. Hopefully, I'll talk about it in the near future. But yes, it talks ke jab hum underprivileged children ho ya any child in this world needs to be looked after, tended to. And meri ek jo film aane wali hai, hopefully soon, it's still on the verge of completion. It talks about encouraging sports and especially underprivileged children. जो होते हैं उनमें इतना टैलेंट भी होता है तो इट एनकरेजेस दैट पर्टिकुलर स्टेटा ऑफ लाइफ कि उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए. वेल इट इज इट्स अ वेरी वेरी गुड विजन एंड इट्स एक्सट्रीमली गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री. मगर ऑफकोर्स इनकन्वीनियंसेस हैं एंड आई एम श्योर आर गवर्नमेंट वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ के वो कुछ ना कुछ रास्ते निकालेंगे एंड आई एम होपिंग दैट वी हैव अ बेटर कंट्री एंड उनका जो विजन है वो फुलफिल हो जाए.